हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, इस समय की एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो CGL 2019 का जो रिज़ल्ट है उसमें थोड़ा सा और फर्दर डिले। जो हियरिंग 10 मार्च की थी वो हियरिंग होने से पहले ही पोस्टपोन हो चुकी है, और जो दोस्तों जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 15 मार्च है। नहीं पता कि सिस्टम क्या कर रहा है, कौन क्या मतलब किस तरह से प्लान कर रहा है चीज़ों को, कैन नॉट से अबाउट इट। कोर्ट की भी जो इन्वॉल्वमेंट है उसका भी नहीं पता कि मतलब क्या उनका वर्डिक्ट होने वाला है और क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी है। बट वाट एवर बी द आउटकम, फिलहाल दोस्तों सिचुएशन ये है कि टाइम से बाकी चीज़ों के रिजल्ट आ रहे हैं, और आज इलेक्शंस के भी रिजल्ट टाइम से आए, कभी डिले नहीं होते, कभी पोस्टपोन नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फीलिंग्स के साथ में हमेशा की तरह खिलवाड़, एक और नई डेट 15 मार्च तक इंतज़ार करिए, क्योंकि 15 मार्च से पहले दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। एज़ ऑफ नाउ यही अपडेट मुझे देनी थी, तो थोड़ा सा और इंतज़ार, और ये इंतज़ार की घड़ियाँ दोस्तों बड़ा मुश्किल है कटना, आई नो, बिकॉज जो चीज़ें प्लान होती हैं उनको काटना मुश्किल हो जाता है। तो कीप स्टडिंग, जो CGL 2021 है उसकी तैयारी करिए। 11 अप्रैल से दोस्तों पेपर है उसका भी, तो बी रेडी फॉर इट, कीप फोकसिंग, कीप स्टडिंग, और ध्यान रखिए अपना, और थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करके अपने एग्ज़ाम्स पे लगाइए। तो ये समय दोस्तों शायद से हो सकता है जल्दी बीत जाए, और क्योंकि आपके मतलब सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होगा, वट एवर बी द आउटकम वो टाइम पे ही होगा, ठीक है। तो बहुत इंतज़ार कर लिया, अब इसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करके अपनी पढ़ाई की तरफ लगाइए। और दूसरा, RRB NTPC का भी नोटिस आ चुका है, जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसके भी कुछ मतलब 2 मई को पेपर है CBT 2 वालों का, तो जो बच्चे वहाँ भी क्वालिफाइड हैं वहाँ पर दिमाग लगाइए अपना, वहाँ पर ध्यान लगाइए। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी आई लेट यू नो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर। और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर, मैथ्स वगैरह की काफ़ी वीडियो हैं जो कि मैंने अभी स्टार्ट करे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।